यीशु ने फरीसियों से बात की, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। तू अपनी गवाही आप दे रहा है जिससे कुछ सिद्ध नहीं होता। नहीं, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं फिर भी वो सच्ची है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम मानव रीति से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेले न्याय नहीं करता, परंतु मेरे साथ मुझे भेजने वाला पिता है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। मैं तो आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरी मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है। तेरा पिता कहां है? न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। यीशु ने ये सारे उपदेश मंदिर में के भंडार घर में दी, जहां उपहार के संदूक थे। किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। मैं तो चला जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, क्या वो अपने आप को मार डालेगा? तुम इस संसार के हो पर मैं ऊपर से आया हूं, तुम इस संसार के हो पर मैं इस संसार का नहीं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तू है कौन? वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। मुझे तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ कहना है तुम पर दोष लगाने हेतु, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे ये न समझे कि यीशु हमसे पिता के विषय में कहता है, जब तक मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। बहुतों ने यीशु को यह कहता सुनकर उस पर विश्वास किया।